आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ है। आपको शायद जानकर हैरत होगी, ढाबे पर हम क्यों बैठे हैं। हम कई दिनों से ये देख रहे हैं कि मीडिया चैनल पे ढाबा जो बड़ा छाया हुआ है और लोगों की शिकायतें भी हम तक आ रही है, लोगों के आरोप भी लग रहे हैं। तो हम लोगों की शिकायत और लोगों के जो आरोप है उनको सिद्ध करने के लिए आज आए हैं। और चाहे कोई भी ढाबा हो, लेकिन भिवंडी में ढाबों का क्रेज़ जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने ढाबों को इस तरीके के सजा रहे हैं, इस तरीके से संवार रहे हैं कि लोगों को ये देखकर हैरानी हो रही है कि हम किस ढाबे पे जाएं और हम किस ढाबे पे खाना खाएं। हालांकि मैं समझता हूं कि खानों का जो क्रेज़ है उस पर ध्यान लोगों को देना चाहिए, ना कि सजावट पर। तो आप ये खूबसूरत सा जो एक्रेलिक से चमचमाता हुआ बोर्ड तो आप देख रहे हैं, आइए हम आपको और भी कुछ बोर्ड दिखाते हैं और तो पूरी तरह से आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से ये ढाबों का क्रेज चल रहा है। इतना बोर्ड पर इन्होंने खर्च किया है और किस वजह से खर्च किया है इतना, हम तो हैरान हैं, हम तो बड़े ताज्जुब में हैं। भाई सर्विसिंग आपको देना है तो लोग अपने लफ्ज़ों में बयान करना चाहिए कि हाँ भाई, ये जो ये ढाबा है ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पर खाना बन रहा है। तो हम लोग कुछ लोगों से भी पूछेंगे कि भाई आखिर इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत क्या है। आरोप तो लग रहे हैं इनके ऊपर कि भाई हमारे जब लोग मीडिया वाले जब ऐड चला रहे हैं तो उनके साथ साथ लोग हमें भी कमेंट्स कर रहे हैं कि मीडिया आखिर ढाबे की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही है। तो आइए चलते हैं ढाबे के अंदर और जानते हैं कि आखिर राज क्या है। तो फाइनली हम ये ढाबे के अंदर पहुंच चुके हैं और आप यहां पर भी देख रहे होंगे कि चमचमाता हुआ ढाबा है, लेकिन आज ढाबे की हम हाजिरी ज़रूर लेंगे क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि हमारा समय नहीं जो है हमेशा सच्चाई की ओर चलता है और सच्चाई बताता है। तो आज इनकी भी हाजिरी ले लेंगे, सवाल पूछेंगे कि उनके पसीने तो छूटने ही छूटने हैं, तो हम उनके मालिक को तलाश करते कि मालिक कहाँ है। चले आइए, हमें फॉलो कीजिए। यहाँ तो कहीं नहीं बैठे, अक्सर वो हमें यही नज़र कहीं आते थे लेकिन यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं वो। लेकिन हाँ, फाइनली मिल गए, ये कंप्यूटर के पास बैठे हुए हैं। आइए ये उन्हीं से मुलाकात करते हैं। मालिक है। आदाब और नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? मैं सुल्तान कुरैशी भिवंडी न्यूज़ से। हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते थे, हम आपको तलाश कर रहे थे यहाँ वहाँ लेकिन आप नज़र नहीं आए, तो ज़रा सी आएंगे आपसे कुछ सवाल करने। अरे आप सुल्तान कुरैशी हो या उल्लू टीवी के राजू तलवार, ऐसे अचानक जो है पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, इन्फॉर्म क्या करना चाहिए साहब, आप बैठे थे, हम तो आपको तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते हमने आपको देख लिया। तो आइए चलिए, आपसे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत क्या है, कुछ सवाल हैं आप बता दीजिए, उनका जवाब बता दीजिए। आइए, तो फाइनली हमें उनके मालिक मिल गए हैं और उनके मालिक से हम बात करते हैं। देखिए, हमारे अचानक आने से उन्हें भी हैरत हो रही है कि अचानक क्यों पहुँच गए। फिर बहरहाल आइए ये बात करते हैं उनसे, थोड़ी दूर से चलते। मेरे ख्याल से हमारा कैमरा अगर उस तरफ आ जाएगा तो बेहतर रहेगा। और मैं इनका ज़रा सी एहतसाम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम बाहर से ही देखते हुए आ रहे हैं, आपके ढाबे का नज़ारा देखते आ रहे हैं। काफ़ी कुछ सुधार हो गया आपके ढाबे में, क्या 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 जताना क्या चाहते हैं आप इस ढाबे की रोशनी को देखकर, रौनक को देखकर, सजावट को देखकर क्या बताना चाह रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, यही आप तो देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है मामला और काफ़ी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। जो हमारा यहाँ पे सर्विस एनवायरनमेंट आप देखेंगे, जो और ढाबे हैं बहुत सारे आप देखेंगे। हाँ। इंटीरियर बहुत अच्छा मिलेगा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ। लेकिन जो एक फील होते गुड फील, जैसे आप देख सकते हैं एक जिस तरह का हमारा बनाया गया है नया। हाँ। ये लोगों को लुक बहुत पसंद आ रहा है। जैसे एक गाँव वाला अगर आता है तो वो ऐसा महसूस करेगा मैं अपने घर के आंगन में बैठा हूँ, और अगर एक सिटी का बंदा आता है तो उसको लगेगा कि मैं अपने फार्म हाउस पर बैठा हूँ। तो ये इस तरह का
लुक दिया गया है, बहुत ज़्यादा जो है इस पर बहुत स्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन खुला खुला ढाबे का मतलब क्या है, एकदम ओपन होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो ठीक है, ये तो खुला खुला आपने यहाँ बताया, लेकिन मीडिया को जिस तरीके से आपने कैप्चर कर रखा है, और हमारे पास जो शिकायतें आ रही है, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, जिसकी वजह से आपका ये जो ढाबा जो है आज बल्ले बल्ले दिख रहा है यहाँ पर, इसकी क्या खास वजह, क्यों आपने मीडिया को कैप्चर क्यों किया भाई? ये आपका अपना सोचना है, लेकिन मुझे मेरा अपना मानना है कि अगर कोई भी अकलमंद बंदा ऐसा इंसान ऐसा नहीं होगा जो ऐसा बोले कि जो झूठा बाद में साबित हो। अगर मीडिया कैप्चर करने की बात है तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, लोग अगर सुन के आ रहे हैं तो मैं खुद झूठा साबित हो जाऊँगा। तो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ टेस्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं दूसरों को, फिर जो है बोल रहे हैं, इस तरह लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे मेरा अपना मानना है कि जब अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरोप तो लगते रहते हैं ठीक है, आरोप तो हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन आप ही पे आरोप क्यों लग रहे हैं? हमारे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं, बहुत सी शिकायतें आई है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ प्रचार कर रहे हैं और आपकी मीडिया, और आपकी मीडिया वाले बिक चुके हैं। हमने कहा हम नहीं बिके भाई, अगर आपकी शिकायतें हैं तो हम ज़रूर जाके उनसे ये सवाल करेंगे, उन पर आपके आरोप के जो सवाल है हम उनसे करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि खाना तो हर जगह मिलता है, टेस्ट सारे लोगों का एक जैसे रहता है, आपके यहाँ क्या टेस्ट में ऐसा, आप क्या उसमें कुछ अलग से जादू की पुड़ियाँ डाल देते हैं, आप क्या करते हैं? टेस्ट जो हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। ये जो जितने भी ढाबे हैं भिवंडी में, अगर आपको कहीं हो सकता है अच्छा खाना मिले, अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी, अच्छी सर्विस मिली तो अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। दिल्ली दरबार एक ऐसा वाहिद ढाबा है जिसमें आपको तीनों एक साथ मिलेगा, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी सर्विस, अच्छा टेस्ट, और ये 1.5-2 महीने तो हुआ है। हाँ, कुछ लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, जो बहुत सारे पहले लोग थे जो नाराज़ हुए, यहाँ से गए, सर्विस के बहुत सारे इशू था। हाँ, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अब वो चीज़ें चेंज हुई हैं, आप यहाँ आइए, आप अच्छी सर्विस और उसका मज़ा लीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ और लोग हैं जो ढाबे को बिस्ती समझ लेते हैं जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो दूसरे अपने उनके अपने हैं वो कभी वहाँ से निकलते नहीं, वो दूसरी जगह टेस्ट नहीं करते और ब्लेम करते कि उनका टेस्ट सही नहीं है, वो नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे वो हमारे यहाँ के कस्टमर हो चाहे दूसरी जगह के हों, सबको एक दूसरी जगहों का टेस्ट ट्रायल करना चाहिए, उसके बाद अपना जो है अपने राय मशवरा जो है देना चाहिए जी। चलिए ठीक है, टेस्ट के लिए आपने बता दिया। अब डिशेस के बारे में आप मुझे बताइए कि डिशेस भी हर जगह एक जैसी होती है, आपका जो है वो क्या खास डिशेस है आपकी, क्या क्यों आएंगे लोग, आप मुझे बताइए क्यों आएंगे, ये दिल्ली दरबार ढाबा क्यों आएंगे दिल्ली दरबार ढाबे को? यहाँ का जो टेस्ट है बिल्कुल अलग है और जगहों से, जितने भी कलर के साथ आपको टेस्ट का जो जायका है वो अलग मिलेगा। और मैं अभी देख रहा हूँ, जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ, लोगों का यही मानना है कि जो यहाँ का जायका वो और कहीं नहीं मिलता, तो यही चीज़ है। कुछ खास डिशेज़ हैं आपकी? हाँ, डिशेज तो बहुत हैं हमारे यहाँ स्पेशल, आप देख सकते हैं पीछे लहम बंदी है जो यमन की डिश है, जो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा। पूरे ढाबे में, मुंबई वगैरह मिल जाएगी, हैदराबाद में बहुत मिलती है, ढाबे में नहीं मिलेगी। और लहम बंदी जो मटन का होता है, लहम बोलते हैं अरबी में मटन को, इसकी खास बात यह होती है कि इसके उबले हुए पानी में राइस बनाया जाता है, तो उसमें जो सॉफ्टनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसके वजह से राइस जो है बहुत अच्छा जायकेदार होता है, और जो भी यहाँ पे खाया वो सब तारीफ़ किए। तो एक तो हो गया लहमबंदी, उसके बाद हमारे पास जो कबाब है, कबाब में सरिया कबाब है, बंजारा कबाब, एक पंजाबी कबाब है, वो जायका बिल्कुल डिफरेंस है, ये यहाँ के जो ढाबे हैं उस पर वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। और उसमें एक ड्राई में हमारे पास 95 बहुत पॉपुलर आइटम है, तड़का है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। सबका टेस्ट अलग है, यहाँ और वहाँ का अलग है। तो मुझे लगता है एक मरतब जो सभी को ट्राई करना, तब उनको एहसास होगा, पता चलेगा कि टेस्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम तक जो शिकायतें आई थी इनकी सर्विस की, तो एक मामला तो यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब जो सर्विस जो है इनकी बदल चुकी है। तो बैरकैफ एक बार आप आइए, दोबारा आइए,
और देखिए कि वाकई में इनकी सर्विस सही हो गई है क्या, क्योंकि हम तो यहाँ पर आज इनकी इनकी हाजिरी लेने के लिए आ गए थे पूरी तरह से, लेकिन अब ये मान रहे हैं कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो आपको रोकना चाहूँगा, खास तौर से सफाई का जो मामला है, अभी भी बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े कि भाई किचन क्यों नहीं दिखाए, वो नहीं दिखाए, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको चलना चाहिए मेरे साथ अभी, जो कि ये रनिंग टाइम है, रात को 12:30 बज गए, फिर भी आप देखेंगे किचन हम कितना साफ सुथरा रखते हैं। तो बिल्कुल किचन बिल्कुल देखेंगे हम, और किचन का मामले में भी हम जो है बिल्कुल एकदम संयम नहीं बरतेंगे, बल्कि आज जो है ना, अब हम आवाम की तरफ से आए हैं, आपकी आपसे पूरी मतलब पूरी जानकारी लेने आए हैं इस ढाबे के ताल्लुक से, ताकि आने वाले दिनों में जो जो कमेंट्स हमें आते हैं, जो शिकायतें हमारे पास आती है, वो शिकायतें हम तक ना आए। और ये है कि कुछ प्राइजेस के बारे में भी लोग शिकायत कर रहे थे कि सारे लोगों से ज़्यादा आपके यहाँ प्राइजेस, ऐसा कुछ है? जितने भी भिवंडी के ढाबे हैं सब जगह एक ही मेनू है, किसी का चेंज नहीं है। अब वो अलग चीज़ है कि लोगों को लगता हो कि यहाँ पे महंगा है सस्ता है, लेकिन मेनू पूरे भिवंडी के जितने भी ढाबे हैं सबके एक ही हैं, क्योंकि ये मीटिंग में फाइनल हुआ था और सारे जगह के मेनू एक ही। कुछ स्पेशल डिशेज जैसे आपने अभी बाहर एक डिशेज का नाम लिया, ऐसे डिशेज का जो है कुछ आप प्राइस बढ़ाते हैं? नहीं, ये आइटम तो खैर दूसरी जगह है नहीं, लेकिन जो उसी तरह के सेम जो दूसरे आइटम है उसी से रेट जो है सिमिलर करके रखा गया है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो किचन का है, आप ये जरा हमारे कैमरेमैन ये दिखा दीजिए, ये सीन जो है जी देख लीजिए हमारे दर्शक, ये इनका ये किचन देख लीजिए, हम आपको किचन दिखा रहे हैं और अंदर का भी किचन आपको दिखा रहे हैं। मालिक खुद जो है अपनी जनता की शिकायतों को दूर कर रहे हैं यहाँ पर, ये किचन दिखा रहे हैं आप, इनके किचन को देख लीजिए कि किस तरह का किचन रखा हुआ है। लगभग मुझे ठीक ठाक तो लग ही रहा है, फिर भी हमारे कैमरे के ज़रिए इनको दिखा दें कि किचन साफ़ सुथरा तो दिख ही रहा है और लोगों की तरह तो नहीं दिख रहा है। बहरकैफ अब हमारे दर्शकों को ये शिकायतें भी नहीं रहना चाहिए कि इनका किचन जो है वो गंदा संदा रहता है। प्राइस के मामले में भी हमने क्लियर कर दिया है और सर्विस के मामले में भी पूरा क्लियर हो चुका है, और दीगर शिकायतें हैं जो हम इनसे और सवाल करेंगे। आइए बाहर चलते हैं, कुछ फैमिली के लिए आप क्या स्पेशल यहाँ पर रखें फैमिली के लिए? फैमिली के लिए हमारे पास गेम और प्ले ग्राउंड जो है बहुत बड़ा है जी, और ओपन है बिल्कुल जी। और ख़ास तौर से इससे पहले मैं आपको जो है ये बोलूँगा कि आप ये जेल सेक्शन आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे जी। ये वाले हिस्से को जी। आप देखेंगे कितना खुला, और आप जब यहाँ पे बैठेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे, पैक नहीं है। अभी जैसे बहुत सारे ढाबे हैं ना, उनको रेस्टोरेंट बना दिया गया है, उसको अच्छी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं सजावट का, वो ढाबे जो मेरे कहने का मतलब जो कि ये खुला ही अच्छा लगता है, ओपन होना चाहिए। जब इंसान घर से निकले तो एक खुले आसमान के नीचे बैठ के लुत्फानंदोज़ होना चाहिए, तो वो जो डिज़ाइन है उस हिसाब से बनाई गई है। सजावट तो खैर हमें बाहर यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन खुला सा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और क्या दिखाना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? फैमिली सेक्शन आप देखेंगे जी, फैमिली सेक्शन में ख़ास तौर पर पर्दे का इंतजाम किया गया है। ये क्या डिपार्टमेंट है आप? ये हमारा आइसक्रीम डिपार्टमेंट है जी, यहाँ पे आइसक्रीम सीताफल जी। ये आपका आइसक्रीम डिपार्टमेंट है? हाँ, आइसक्रीम है ये, यहाँ पे लाइव आइसक्रीम बनती है जी। ये है, ये खराब है शायद, और ये है अभी चालू है लाइव आइसक्रीम है। आप ये जो मटेरियल्स हैं जैसे ये सब हम यूज़ होता है यहाँ पे, ये आपको कोई भी लोकल ब्रांड नहीं मिलेगा, सब बड़े बड़े मॉल में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उस वहाँ के आइटम है, लोकल चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं देते। खास तौर से क्वालिटी टेस्ट यहाँ का आपको बिल्कुल यूनिक दिखेगा, क्योंकि हम ब्रांड चीज़ यूज़ करते हैं। तो तमाम चीज़ों की तो आप तारीफ ही करते जा रहे हैं, तो बुराई क्या है यहाँ पर? बुराई अगर होती तो लोग जुड़ते नहीं, बुराई मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ है, सब अच्छा ही अच्छा है। नहीं, लेकिन लोगों की तो कुछ शिकायतें थी, वो तो खैर आपने क्लियर कर दिया, और बहुत सारी शिकायतें होती है लोगों को। देखिए, जब तक दुख नहीं होगा तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा? वही चीज़ टेस्ट होती है, जब तक आप दूसरी जगह का टेस्ट नहीं ट्राई करेंगे आपको कैसे एहसास होगा किसके यहाँ का अच्छा है किसके यहाँ का खराब है। तो हमारे यहाँ मामला ये है कि लोग दिली तौर पर किसी से जुड़ गए हैं और ये होता है कि उनके यहाँ से नहीं जाना। मैं आपको एक बचपन की मिसाल बताता हूँ जी।
हमारे यहाँ बचपन में एक कहावत थी कि हमारा एक ढाबा था एसरार का ढाबा, कुछ लोग आते थे बोलते थे कि जो है एसरार का ढाबा जैसी दाल पूरी दुनिया में नहीं है, जो कि वो वहाँ से कहीं बाहर निकले ही नहीं। तो एक लफ्ज़ ही वो है कि भाई इससे अच्छा कहीं और नहीं, तो लोगों के दिमाग में फिट कर दिया गया है। लेकिन जब आप ट्राई करोगे एक से जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह, तब आपको पता चलेगा कि टेस्ट क्या होता है। तो मैं जो भी हैं जो मुखालफिन हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप ट्राई करो, मेरे यहाँ नहीं आना है मत आइए, आप एक निकल के दूसरी जगह निकलिए और वहाँ ट्राई कीजिए, कंपेयर कीजिए किसका टेस्ट अच्छा है किसका ख़राब है, कौन सर्विस अच्छे दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों की और भी शिकायतें हैं खासतौर से डिस्काउंट के बारे में। लोग कहते हैं कि हमें दूसरे ढाबे पर डिस्काउंट मिलता है, यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक तो नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं खासतौर से डिस्काउंट पे देखो, क्वालिटी सर्विस टेस्ट और डिस्काउंट सस्ता और अच्छा नहीं होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट करेगा तो वो क्वालिटी जो है क्वालिटी को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। सर्विस आपकी कैसे अच्छी होती है, जब आपके पास पुराना स्टाफ होगा, आपके पास अच्छे स्टाफ होंगे तो आपको उनको फास्ट सर्विस पेमेंट करना है, उसके बाद जो है उनकी सैलरी बढ़ानी है, तो उनको मैनेज करना और प्लस डिस्काउंट के साथ ये कंपेयर नहीं। तो आप देखेंगे कि 2 साल में हमारे ढाबे पे 2 मरतबा रेट बढ़े हैं। अगर इतना ही होता प्रॉफिट होती ये होती तो 2 मरतबा रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, उसी में चलता। तो रेट इसीलिए बढ़े कि महंगाई जब बढ़ी है तो उसको मैनेज नहीं हो पा रहा था। ढाबा लाइन ऐसी है कि जो बाहर से बहुत दिखती है भीड़ है ये है वो है, लेकिन उतना मार्जिन वाला मामला नहीं रहता जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत है जी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आप क्या बोलते हैं चिकन वगैरह काटते हैं वो क्या हलाल होता है? हाँ, हमारे यहाँ फ्रेश होता है चिकन का। नहीं, मैं हलाल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हलाल है, बोर्ड पे भी हमने लगाया हुआ है और ख़ास तौर से जो है सुन्नी हलाल का इंतज़ाम रहता है यहाँ पे जी। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों के खेलने के लिए, इसके कुछ प्राइस वगैरह भी रखते हैं आप? हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, ये चार्जेस हैं, चार्जेबल हैं, और उधर की कुछ चीज़ें हैं वो जो झूला वगैरह वो फ्री है, ये सब फ्री है। अभी बहुत रात हो गई इसलिए बहुत सारे आइटम बंद हैं। यहाँ पे बुल है, यहाँ पे मिकी माउस है, फिलहाल बंद हो चुका है, आप बहुत लेट आए हैं। गेमिंग बहुत ज़्यादा अभी और जो है इधर साइड में रखा हुआ, सब फिटिंग चल रही है। हाँ, उधर एक बस ला के रखी हुई है, जल्दी वो भी चालू होने वाली है। तो बस कहाँ रहेगी? बस वहाँ साइड में रखी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से चूँकि अभी ये शेड वगैरह अभी लगा, जब ये खुलेगा तो रास्ता बनेगा तो इंशाल्लाह ये बस का भी हम चलाने की कोशिश करेंगे जी। ये बस है और एक और गेम आया हुआ इधर, बहुत अच्छा ये घूमने वाला है, इसमें कुछ सिस्टम है। खास हम ध्यान दे रहे हैं किड्स के लिए जो है, अच्छे से अच्छा झूला मिले उन्हें जी। तो ये बस है? ये बस तो ये बस में बच्चों को पैक की कर जी पैक करके रखी गई है, इंशाल्लाह उसको खुलेंगे जी। और देख के ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? ये हमारा जो है पान शॉप है। अच्छा, और इसमें बहुत सारे गिफ्ट वगैरह के आइटम हमने नए डाले हैं। ठीक है, ये फैमिली। तो दर्शक, हम आपकी शिकायतों पर यहाँ आए थे और आपकी शिकायतों का जो हमने इनके सामने भी रखा, अब आप पर ये निर्भर है, आप खुद ये फैसला करें कि हमने जो सवाल किया था वो ठीक ठाक था या नहीं था। और हमने आपके सवालों को इनके सामने रखा और इन्होंने जवाब भी दे दिया है साफ साफ। अब आप पे डिपेंड है कि आप यहाँ आएँ और दोबारा इसको आजमा कर देखें कि भाई जो आपने शिकायत की थी अब उस पर कुछ अमल हुआ है या नहीं हुआ है, जो सर्विसेज आपको नहीं मिल रही थी वो सर्विसेज मिल रही है नहीं है, डिशेज भी आप चेक करके देख लीजिए कि डिशेज ठीक है या नहीं ठीक है। बहरहाल मैंने आपका जो मामला था वो यहाँ पर क्लियर कर दिया और यहाँ पे आकर इनकी हाज़िरी भी ली, इन्होंने बोला। अच्छा, हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, चलिए ठीक है, बच्ची की बात कर लेते हैं। क्या, कहाँ से आए बेटा? बॉम्बे से आई हो। यहाँ पर अक्सर आती हो कि पहली बार आई हो? पहली बार आई हूँ। अच्छा, क्या क्या खाया यहाँ पर आपने? चना। चना खाया आपने? खाना नहीं खाते आप? नहीं, मैं चिकन भी खाई। तो कैसा लगा, टेस्ट अच्छी लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, और कुछ चीज़ें खाने को नहीं मिला यहाँ पर? मिला ना। क्या? कैडबरी खाने को मिली। अच्छा, ये जो आपके लिए लगाए गए हैं सब खिलौने वगैरह, इस पे खेला आपने? सब पे खेला। हाँ। मिकी माउस पे खेला? मिकी माउस नहीं, मिकी माउस का है।
मिकी माउस नहीं है, सब पे खेले, सब पे खेले। अच्छा वो बोर्ड बोर्ड पे खेला आपने? वो बोर्ड पे गए थी, ये बोर्ड डर रही थी, ये बहुत रो भी। तो कैसा लगा ऑल एंड वोर सब, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। नाम मालूम है इस ढाबे का आपको? दिल्ली दरबार। अच्छा दिल्ली दरबार। एक बार बच्चों को, खैर इसका नाम याद हो गया क्योंकि बच्चे जो है अक्सर मौज मस्ती करते हैं लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा कैसे अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। अब मेरे साथ इनके कुछ ये वालिद हैं आपके? जी जी। हाँ इनके वालिद भी मौजूद हैं, दो सवाल उनसे भी कर लेते हैं। सर जी आपको नाम बताइए सर। वसीम सैयद। और कहाँ से आए आप? मुंबई भिंडी बाजार। अक्सर आते रहते हैं? हाँ अक्सर आते हैं, 10 साल पहले से आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये यहीं पे आते हैं या और भी सारे ढाबे पे? फिर वो मेन रोड पे भी आते हैं, यहाँ पे आते हैं। मतलब पूरा यही मना रहे हैं। तो क्या देखिए कुछ लोगों की शिकायतें थी, जिसकी शिकायतों पर हम आप मालिक से बात करने के लिए आए थे, तो उनकी शिकायतों का उन्होंने तो जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए एकदम फैक्ट के क्या दिल्ली दरबार ढाबे पे आपको वो सारी चीज़ें सही मिल रही है जो एक कस्टमर को मिलनी चाहिए? वो ऐसा है कि 10 साल पहले से मैं आता हूँ और ये ढाबा तो बिल्कुल जब पहला कोई ढाबे नहीं थे, कोई ढाबा अच्छा ही है, खाना भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ है। इस पर जब GST सरचार्जेस नहीं लगते तो उस टाइम से मैं आता हूँ। अभी तो सब ये इंक्लूडेड किया लेकिन बनाए काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई। पहले की बनिस्बत क्या क्या अंतर है इसमें, क्या फ़र्क पड़ा? वही जब जो जैसा कि बच्चे लोग के लिए बना दिए और अच्छा शेड वेड डाल दिए, सब कर दिए, सब पक्का सब बना दिए। पहले हम लोग आते थे तो सब रहती रहते ऐसा सब था। खाने के टेस्ट में कुछ? खाने का टेस्ट अच्छा है पहले से, पहले के बनने से कुछ? पहला भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है, खाने का टेस्ट अच्छा है। घर जैसा लगता है आपको? घर जैसा नहीं लगता है, ये तो एक ढाबे जैसा ही लगता है। घर जैसा होगा तो फिर इतना खर्चा करके ढाबे पे नहीं आएंगे। ये इन्होंने सही जवाब दिया, अगर घर जैसा लगता तो वो ढाबे पे आते ही क्यों। तो इन्होंने ये ढाबे के जैसा लगता है और मुंबई से आए हुए हैं। चलिए ठीक है, हमें लग बाय चांस ये मिल गया और इनसे भी हमने पूछ लिया। कुछ महिलाएँ भी हमें ये एनिवर्सरी मनाने के लिए हमेशा आती है, आप भी कुछ बोल दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। क्या बोलूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और खाना भी बहुत अच्छा था, बच्चों को भी बहुत मज़ा आई। हम हमारी फैमिली को यहाँ लेके आते हैं, सब संडे मनाने, सबको बहुत अच्छा लगता है। संडे मनाने आते हैं जी। तो इतनी दूर से आप यहाँ आते हैं तो और कोई ढाबे पे जाने का दिल नहीं होता आपको? नहीं, एक दो ढाबा हमने देखे पर ये तो पुराना है तो फिर यहाँ तो आते ही है। एक दो और भी हमने ट्राई किए पर ये हमको अच्छा लगता है, इसका एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। ये बहुत पुराना है तो आपकी तो बहुत पहचान हो गई होगी यहाँ पर। मेरी कहाँ इनकी पहचान होगी, आप भी साथ में ही आते हैं ना। पहचान तो पहचान वाले मिल जाते हैं यहाँ पे, पहचान वाले तो ऐसा है कि अक्सर आते हैं बॉम्बे वाले भी तो सब मिलते हैं ऐसा, और बाकी ऐसा कुछ जान पहचान ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ है नहीं कुछ। चलिए ये अच्छी बात है कि यहाँ पर मुंबई के कुछ फैमिली भी मिल गए और इन्होंने यहाँ पर आकर एंजॉय किया, खाना अच्छा खाया, ये घर जैसा खाना नहीं खाया बल्कि ढाबे जैसा खाना खाया है। तो लगभग हमारा जो आज की हाजिरी है वो पूरी हो चुकी है, और अगर आपको अगर और भी कोई शिकायत हो तो वाकई में हम बेझिझक इनसे सवाल करेंगे और उसका जवाब इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ सवाल थे उसके जवाब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है। अब आने वाले दिनों में अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप यकीनन हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे से शिकायत कीजिए, हम उन शिकायतों को यहाँ लेकर आएंगे दोबारा और आपकी शिकायतों का जवाब हम फिर से एक नई वीडियो बनाकर देंगे। जब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। मैं अपने सहयोगी सलमान शेख के साथ सुल्तान कुरैशी।